अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन आइकन। पीटीआई पर पाबंदी का ऐलान, मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला। दोस्तों, इस हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को भी खत लिख दिया। इस हवाले से ये मुकम्मल रिपोर्ट मुलाहिजा करें, यहाँ आपको अपडेट करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा कर दिया। जी स्पीकर, कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अभी अभी एक वरासला अरसाल किया इलेक्शन कमीशन के नाम, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तब्दील नहीं की जा सकती, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट जो है वो अब तब्दील हो चुका है और जिसका इतलाक माजी से होता है। इसके अलावा स्पीकर ने जो खत लिखा उसमें ये नुकता भी उठाया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, और आपकी तवज्जो के लिए इलेक्शन एक्ट इस वक्त महत्वपूर्ण अमल है। इसके अलावा स्पीकर ने खत में ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल दरामद करे और जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के उसूलों पर अमल करे।